अरे बुमराह यार भाई, हमने सुना है तुम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हो। अरे भैया, ये अफ्रीका सीरीज से बाहर हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं, अब तुम T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए। अरे भैया, अब हम कैसे जीत पाएंगे वर्ल्ड कप? किसको फेंकवाएंगे 19वां ओवर? अरे भुवनेश्वर के सहारे जीतेंगे वर्ल्ड कप? अरे हाँ यार रोहित, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे भैया, ये बुमराह का पता ही नहीं चलता क्या सीन चल रहा है, अब बताओ ये चोटिल ही हो जाते हैं। अरे भैया, हमको तो ऐसी चोटें कभी नहीं लगती। अरे बुमराह यार भाई, तुम यार कैसे आदमी हो, तुम चोटिल बहुत होते हो। अरे अब बताओ हम कैसे खेलेंगे वर्ल्ड कप? अरे भैया, भुवनेश्वर के सहारे खेलेंगे हम वर्ल्ड कप। अरे कोहली भाई यार देखो, भुवनेश्वर भैया भी कम नहीं है। अरे भैया, रही बात हमारी चोटिल होने की, तो देखो हम जानबूझ के चोटिल थोड़ी हुए हैं, अब लग गई हमारे चोट तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अरे बुमराह यार भाई देखो, तुम्हारे चोट लग गई लेकिन यार तुमने बताया ही क्यों? अरे भैया, तुम कह देते ये वर्ल्ड कप के लिए कि हमको भैया कोई चोट वोट नहीं है, हम तो खेलेंगे। अरे भाई, तुम झूठ ही बोल देते, भैया हम एकदम फिट हैं। अब तुमने कह दिया हमारी ये चोट लग गई है तो फिर बाहर तो करेंगे ही ना। अरे सूर्य कुमार यार भैया, तुम तो एकदम चूतिया हो। अरे भाई, वो लोग मशीन से देख लेते हैं कहाँ चोट लगी है कहाँ नहीं, और तुम कह रहे हो झूठ बोल देते। अरे भाई, जब वो मशीन से ही देख लेते हैं फिर झूठ बोलने का क्या काम है? अरे बुमराह यार भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे भैया, ये लोग नहीं समझेंगे, इनको तुम मत समझाओ। अरे भाई, ये क्या जाने फास्ट बॉलर के कहाँ चोट लगती है, क्या दर्द होता है। अरे भाई, इनको तो क्या है, बल्ला लेके जाना है, खेलना है। अरे भैया, ये हमको हल्के में ले रहे हैं। अरे तुमको ये नहीं पता है भैया, नाम है हमारा भुवनेश्वर कुमार, और अब की बार दिखाऊंगा अपनी गेंदबाजी में धार। अरे जब मैं दिखाऊंगा अपनी गेंदबाजी में धार, तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों का सर फोड़ दूंगा, और अपनी गेंदबाजी स्विंग करा के अच्छे अच्छे बल्लेबाजों का पिछवाड़ा तोड़ दूंगा, समझे? अरे भुवनेश्वर यार भाई, हम तुम्हारी गेंदबाजी बेकार थोड़ी बता रहे हैं। अरे भैया, हम तो कह रहे हैं तुम्हारी गेंदबाजी बहुत बढ़िया है। अरे तुम सारे बल्लेबाजों का सर फोड़ दोगे, पिछवाड़ा तोड़ दोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यार भैया हम ये कह रहे हैं 18वां 19वां ओवर कौन डालेगा, कौन करेगा डेथ ओवर में गेंदबाजी? अरे रोहित भाई यार, क्यों चिंता कर रहे हो? अरे भैया, चाहे स्टार्टिंग के ओवर हो चाहे डेथ ओवर हो, अरे भैया भुवनेश्वर भैया ही करेंगे सब कुछ। अरे भुवनेश्वर भैया करेंगे गेंदबाजी धुआंधार, और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाएंगे इस बार। अरे बुमराह यार भाई, अब जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन यार हम तो ये सोच रहे थे चलो अब हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन अच्छा है, भुवनेश्वर के ओवर स्टार्टिंग में निकल जाएंगे तो डेथ ओवरों में बुमराह को गेंदबाजी थमाएंगे, लेकिन यार भुवनेश्वर को ही अब तुमने सब कुछ सौंप दिया यार, भैया प्रेशर में आ गया है भुवनेश्वर भी। अरे ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कोहली भाई। अरे भैया, मेरा तो डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने का मन भी नहीं होता, लेकिन यार अब कोई है नहीं तो गेंदबाजी करनी पड़ेगी ना, क्या कर सकते हैं। लेकिन यार कोई बात नहीं, तुम लोग चिंता मत करो, अरे अब की बार डेथ ओवरों में भी दिखाऊंगा अपनी धार, और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताऊंगा इस बार। अरे वाह भुवनेश्वर भैया वाह। अरे भैया, तुमने तो बातों ही बातों में तुकबंदी भी कर दी, अरे मजा आ गया तुम्हारी ये तुकबंदी सुन के। अरे दोस्तों, अरे भाई तुम ही बताओ, अगर भुवनेश्वर भाई डेथ ओवरों में बॉलिंग करेंगे तो क्या हम ये वर्ल्ड कप जीत पाएंगे कि नहीं, कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल मत जाना, ठीक है।